Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy. Stay tuned to MediCircle. MediCircle में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थराइटिस की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं MediCircle। टुडे ऑन आवर अर्थराइटिस अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर प्रशांत जैन विद अस। डॉक्टर प्रशांत जैन पिछले 12 वर्षों से दिल्ली में स्थित एक क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या वैद्य जैसा कि इन्हें ज्यादातर कहा जाता है ऑलरेडी है और 2014 से समाज को आयुर्वेदिक कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर BAMS, MD, PhD इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। आप डिफरेंट आयुर्वेदिक कंपनीज के सहयोग से कंटिन्यूइंग आयुर्वेद एजुकेशन पर का भी हिस्सा हैं। भारत के कुछ सर्टिफाइड आयुर्वेदिक मेडिकल कैनबिस डॉक्टर्स में से भी आप एक हैं। यू आर ऑल्सो फाउंडर निर्मल आयुर्वेद एंड आयु फर्टिलिटी। आयु फर्टिलिटी इज इंडिया फर्स्ट स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक फर्टिलिटी क्लिनिक। You have received awards from different organizations for exceptional work in this domain, that is Ayurveda. So welcome to MediCircle, Dr. Prashant Jain. Kaise hain sir aaj aap? I am very much fine. Thank you, Aparajita ji. You have aapne mere ko is platform pe aamantran kara aur iske aapke platform ke madhyam se hum jan samanya ko jo zyada se zyada gyan aur unke swasthya vardhak unko kuch upay ya kuch bata sake uske liye aapka bahut bahut shukriya. और मैं आपका और आपके MediCircle टीम का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जो जन सामान्य के लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बता रहे हैं जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और द प्लेजर इज ऑल आवर्स। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम जिस मुहिम पे काम कर रहे हैं हमारे साथ आप लोग जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आज के इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला प्रश्न मेरा है कि सर अर्थराइटिस या गठिया अगर हम एक स्पेसिफिक शब्द लेते हैं तो इनके लिए बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है? देखिए अपराजिता जी, यहाँ पे आपने दो एक अलग अलग विषयों पे मेरे से प्रश्न पूछा है। शायद आपका पूछने का जो तरीका है उसमें वो आ रहा है कि एक ही होता होगा और बहुत सारे लोग समझते भी हैं कि आर्थराइटिस या गठिया एक ही चीज है जी। लेकिन आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर और बहुत सारी दिक्कतें या बीमारियां होती हैं। तो आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में दर्द या जोड़ों के अंदर सूजन को हम आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें से एक कारण गठिया है। तो हम अगर आर्थराइटिस की बात करते हैं तो आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द होने के कारण ये भी होता है कि हमारे शरीर में जो आम है वो आम का मतलब होता है अनपचा खाना, कि आप जो खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से पच नहीं रहा है। ना पचने की वजह से वो आपके जोड़ों में इकट्ठा होता है और वहां पे सूजन का कारण बनता है जिसे आप कहते हैं गठिया भाई। दूसरा अगर हम कारण देखते हैं तो आपने कई सुना होगा कि यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया शरीर के अंदर, प्रोटीन आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं और उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है और वो प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट होता है यूरिया जो बढ़ना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड के रूप में और वो जोड़ों में दर्द करता है जिसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। फिर एक होता है जो आपका समय अनुसार आपकी जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, एज प्रोग्रेस करती है तो एज रिलेटेड चेंजेस होना शुरू होते हैं बॉडी, ठीक है। जाहिर सी बात है कोई भी एज को बढ़ने से नहीं रोक सकता, तो उसी की वजह से एज रिलेटेड चेंजेस आना शुरू होते हैं और उसकी वजह से डीजेनरेटिव जॉइंट्स डिसीज होनी शुरू होती है जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। मतलब वहां पे जोड़ जो है वो जोड़ घिसने शुरू हो जाते हैं, आम भाषा में जिसे हम कहते हैं कि जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है। वो ग्रीस खत्म होने की वजह से उन जोड़ों में दर्द बनना शुरू हो जाता है जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जी। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे कारण हैं आर्थराइटिस के। और आपने जैसा पूछा कि कौन सी दवा है जो आर्थराइटिस के लिए सबसे अच्छी है, तो मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूंगा और दर्शकों को यही बताऊंगा कि दवा उस तरह से काम करती है कि आपका कारण क्या है। जब तक हमारे को कारण अच्छे से पता नहीं होगा, जोड़ों के दर्द का कारण क्या है, किस वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है,
क्या वो आम की वजह से है, क्या वो यूरिक एसिड की वजह से है, क्या वो जोड़ घिसने शुरू हो गए उस वजह से है, वो हमें अगर जहाँ पता लग जाता है तो उसके हिसाब से जब उसका उपचार किया जाता है वहां पर उसका रिजल्ट आना शुरू होता है। तो इसलिए स्पेसिफिकली एक दवा को हम बोलते हैं कि ये दवा ले लो और आर्थराइटिस में आराम लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। जी जी राइट। तो ऐसी कोई जेनरिक या एक कॉमन, जी बिल्कुल, एक कॉमन दवाई नहीं है, कोई जेनरिक मेडिसिन जादू का फॉर्मूला नहीं है। जी ऑल राइट। तो आयुर्वेदा वैसे अर्थराइटिस को किस तरीके से अप्रोच करता है, आप लोग कैसे हैंडल करते हैं अगर इस पूरे गैमेट की हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस के पूरे अम्ब्रेला को जैसे आपने मेंशन किया, सो हाउ डज आयुर्वेद गो अबाउट इट, क्या करता है आयुर्वेद? देखिए बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अम्ब्रेला टर्म है आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द हम कहें, तो वहां पे ये जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि जोड़ों का दर्द हो क्यों रहा है। आयुर्वेद के कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसे हम जैसे कहते हैं आम विष बनना या आम बनना, तो उसकी वजह से जोड़ों का दर्द हो रहा है। आमवाद को अगर हम कहते हैं जिसे अगर हम कोरिलेट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, या वात रक्त कहते हैं जिसे हम कोरिलेट करते हैं गाउटी आर्थराइटिस से, या नानात्मज मतलब हम जानू संधिशूल या फिर कोई भी संधिशूल हम कहते हैं, या जोड़ों का दर्द जो है वो अगर वृद्धावस्था जन्य है, तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम उसे देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आमवाद की बात करें तो आमवाद बेसिकली होता है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम कहेंगे, वो होता है कि आपके शरीर जब पूरी तरह से खाने को पचा नहीं पाता तो आपका जो अनपचा खाना होता है जिसे हम फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन्स भी कहते हैं, वो हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होते हैं उसकी वजह से वो जॉइंट पेन आना शुरू होता है, और जो बेसिकली प्राइमरली आपके जो हाथों की उंगलियां हैं या छोटे जॉइंट्स हैं शरीर के, वहां से वो दर्द होना शुरू होता है। तो उसमें जनरली देखने को मिलता है कि सुबह के टाइम जब उठते हैं तब सूजन भी होती है, हाथ पैर चलाने में अकड़ाहट होती है, मूवमेंट नहीं हो पाती, और धीरे धीरे वो वहां पे परमानेंट डैमेज भी करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो जॉइंट की जो संप्राप्ति है, पैथोलॉजी है उस जॉइंट पेन की, वो कहाँ से आ रही है। तो इस तरह से हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो ट्रीटमेंट करने का तरीका भी वहां पे बहुत ज्यादा बदल जाता है। तो इन जनरल अगर हम देखेंगे ऑल्टरनेट किसी और सिस्टम में, तो वहां पे वो मेडिसिन देते हैं जिससे पेन कम होता है, लेकिन आयुर्वेद के नजरिए से जब भी हम दवा को देखते हैं या उपचार को देखते हैं तो वहां पे हम कभी भी दर्द की दवा नहीं देते, हम उसमें देते हैं कि क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को आप ठीक करना शुरू करो तो दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। तो अगर आम है, आप आम का उपचार करो, उसका ट्रीटमेंट करो, तो जैसे ही वो खत्म होना शुरू होगा आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी और दर्द होना भी कम होता चला जाएगा। तो दर्द के लिए ऐसा सच हम कोई एक मेडिसिन नहीं देते, जो कारण है उस कारण का हम ठीक करते हैं, उस कारण का उपचार करते हैं, तो अपने आप ही उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद जो है समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करता है, और अगर हम उसे जड़ को खत्म करते हैं तो नेचुरली उसका बाय प्रोडक्ट होता है कि आपको जो ऊपरी फिजिकल जो भी उसमें आपको ट्रॉमा है उससे रिलेटेड जो भी पेन है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। तो सर अब हम उसी भाग पर आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न पे, मेरा आपसे जो पूछना है वो यही है कि ये जो अर्थराइटिस है या जिस भी प्रकार का जोड़ों का दर्द होते हैं, चाहे वो वृद्धावस्था के साथ जुड़े हुए हों या किसी भी तरीके की और परेशानी से, ये पेशेंट की डेली लाइफ को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, मतलब उन्हें क्या क्या तकलीफें होती हैं, आप इनको कुछ हमें डिटेल में बताएंगे प्लीज? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर इसमें स्पेसिफाइड करें कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के आर्थराइटिस से हैं और सब में अलग अलग परेशानियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले आमवाद से गठिया, जिसे आप गठिया बाई कहते हैं आम कॉमन भाषा में, या हम आमवाद कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, मॉडर्न भाषा में उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, हम वहां से अगर शुरू करते हैं। देखिए किसी भी आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस में सबसे मेन जो दिक्कत है वो है जोड़ों का दर्द, और आप समझ सकते हैं एक इंसान अपना हाथ उठाना चाहता है वो हाथ नहीं उठा पा रहा, काम करना चाहता है काम नहीं कर पा रहा, राइट, चलना चाहता है चल नहीं पा रहा। तो ये अलग अलग समस्या है जो अलग अलग जोड़ के साथ जुड़ी हुई है। जिसके हाथ में या छोटी उंगलियों में दर्द है तो वो उसको काम करने में, फाइन वर्क्स करने में, कोई भी अगर सुई धागे का काम करना है, खाना बनाना है, या आपको लिखना है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या आम बात में जैसे हम बात करते हैं कि छोटे जोड़ सबसे पहले उसमें इफेक्ट होते हैं, तो समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि हाथ में परमानेंट डैमेज होके हाथ भी ऐसे करके होने शुरू हो जाते हैं, या उंगलियों के उनके जॉइंट्स आड़े टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो परमानेंट डैमेज के साथ आती है।
जो आपकी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा हैम्पर करती है। एंड यस, अगर आम बात को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ले, जल्दी पता लग जाए, तो हम इस स्टेज तक पहुंचने से बचा सकते हैं, आपके जोड़ स्वस्थ हो सकते हैं दोबारा से आयुर्वेद उपचार के जरिए। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं और क्या क्या इसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आमवाद के पेशेंट्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है रेनॉल्ड्स फिनोमेनन की हम बात करते हैं, मतलब वो ठंड में या ज्यादा आग में दोनों ही तरह के टेम्परेचर्स को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर वो अगर उन्होंने फ्रिज में हाथ डाला तो हो सकता है उनके हाथ में गैंग्रीन तक बन सकता है, इतना तक वो अफेक्ट कर जाता है। रीजन बीइंग ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बॉडी का अपने शरीर के अंदर बीमारी पैदा कर रहा है। गठिया बाय जैसी बीमारी बाहर से नहीं आती है, हमारा शरीर ही, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से शरीर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो दोष है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम खराब होता है और शरीर के अंदर एक बीमारी को पैदा करना शुरू कर देता है। तो वो इस हद तक डैमेज कर सकता है, बट हाँ, अगर हम उसे जल्दी देख लें और उसका उपचार शुरू कर दें तो वो बहुत हद तक अप्रोक्सीमेटली 90-95% तक हम इसको बीमारी को कवर कर सकते हैं, तो ये और ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। दूसरा आता है जो जोड़ों के दर्द में आ गया, जो वृद्धावस्था जन्य है, डीजनरेटिंग जॉइंट डिजीज है। तो डेफिनेटली आपने देखा होगा, जब वो कोई भी पेशेंट अगर आपने या पर्सन आपने देखा होगा, हम आसपास जनरली देखते हैं कि जो 50 साल 60 साल या 60 साल से प्लस हो जाते हैं तो उनको घुटनों में दर्द सबसे पहले शुरू होता है। और घुटनों में दर्द होने का कारण ये है कि घुटने आपका वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स होते हैं, मतलब शरीर का सारा भार घुटनों के ऊपर होता है, तो घुटनों के दर्द से वो शुरू होता है। घुटनों के अंदर मोबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, घुटनों के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो ज्यादा चल नहीं पाते, बहुत दूर तक चलते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है, जीने चढ़ने उतरने में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर कमर का दर्द होना शुरू होता है। जनरली आप देखो तो 35-40 की एज में अब कमर का दर्द शुरू हो जाता है, राइट? सही कह, तो कमर के दर्द से भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, जीने चढ़ना उतरना, रात को सोना, सोने में नींद नहीं आता पूरी रात। तो बहुत सारे, देखिए जोड़ों का दर्द एक ऐसा दर्द है जो आपके पूरे लाइफस्टाइल को और पूरे डेली रूटीन को ही डिस्टर्ब करके रखता है। तो जब तक आप इससे फ्री नहीं हो जाते तब तक आपको कहीं ना कहीं रात को सोने में, आपके प्रोफेशन में, इट विल हैम्पर योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एंड फाइनेंशियल इवन दो। हाँ राइट, मैं ये एक बहुत मेजर पॉइंट है कि जॉइंट पेन आपका एक फाइनेंशियल बर्डन बनना शुरू हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बिकॉज मल्टीपल आप कितना पेन किलर खाओगे, जितना पेन के मेडिसिन आप लेते रहते हो बार बार, इट फर्दर वो आपकी बोन्स को और ज्यादा वीक करता चला जाएगा, बॉडी में कहीं ना कहीं कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट कर देगा। तो और ये सारी दिक्कतें जैसे जैसे एडवांस होंगी फर्दर आप ज्यादा से ज्यादा और स्पेंड करना शुरू करोगे और अल्टीमेटली इट विल बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन। आपके लाइफ तो हैम्पर हो ही रही है, आपकी बॉडी हैम्पर हो रही है, बॉडी सफर कर रही है, जिसकी वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ भी सफर होती है, आपकी पर्सनल लाइफ सफर हो रही है, एंड अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल बर्डन बनना शुरू होता है। सो या इवेंचुअली ये इतने ज्यादा दिक्कतें कर सकता है। सो इट इज गुड अगर हम इसको इनिशियली एड्रेस कर लें और एक कॉन्शियस में लेके और वहीं से उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दें और अपने लिए बेसिकली अपनी हेल्थ को ज्यादा सुधारना शुरू कर दें तो ये सारी दिक्कतें कम हो सकती जी। और मुझे लगता है आपने इतनी सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई हमें, और मुझे ऐसा ही लगता है फाइनेंशियल बर्डन के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल भी बड़ा बैरियर हो जाता है व्यक्ति में, क्योंकि अगर वो चल नहीं पा रहे हैं या यूं भी देखिए ना, अगर आपने बोला 35-40 से अगर ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो व्यक्ति को अचानक से एक्चुअली लगता है कि वो बूढ़ा हो गया है और बेसिक छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहा है, तो ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल बड़ा बैरियर है व्यक्ति में। Recently, I have encountered a patient. So basically, she was like 60 years unki age hai, but due to back pain, she is unable to move too much. वो कहीं जा नहीं सकते, एक रूम में रहते हैं, and it's a very big psychological barrier for her. क्योंकि आप एक चीज, आप socially detached हो गए हैं completely, कहीं जा नहीं सकते, जाने से पहले आपको सोचना पड़ रहा है कि जीना उतर के मेरे को वहां तक जाना है, फिर वापस जीना चढ़ना है, और वो पेन अगेन वो दोबारा से सारी चीजें देखेंगे। सच में मतलब मोबिलिटी अरेस्ट होना तो काफी बड़ी दिक्कत है। मोबिलिटी अरेस्ट हो जाती है, आप सोशली आइसोलेट होना शुरू हो जाते हो, कहीं जाने आने से पहले सोचना पड़ रहा है। सही बात है। एंड मोर ओवर अगर करेंटली आप देखो तो अगर जो फीमेल्स हैं एंड वो अर्ली 40s में है, ड्यू टू ओबेसिटी उनका वेट इतना ज्यादा है जिसकी वजह से नी जॉइंट्स ऑलरेडी उनके रप्चर होना शुरू हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, एंड वो तो बिल्कुल ही सोशली आइसोलेट होते जा रहे हैं, फाइनेंशियली प्रोफेशनली दोनों तरह से वो आइसोलेट हो गए हैं कि जा नहीं पाते, अगर काम पे जा रहे हैं तो जाने से पहले सोचना पड़ रहा है।
या कहीं जाना है, फंक्शन में जाना है, फंक्शन में जाने से पहले सोचना पड़ रहा है कि जाएं या ना जाएं, इतना दर्द है, क्या करें इसके लिए। तो डेफिनेटली ये आपकी प्रोफेशनल फंक्शनल हर तरह से लाइफ को इम्पैक्ट जरूर करता है। तो अब हम जब इतनी सारी इसकी खामियां जान चुके हैं और इतना तकलीफ दे है ये बीमारी, ऐसे में आयुर्वेदा के माध्यम से क्या अर्थराइटिस को ठीक किया जा सकता है डॉक्टर? अगेन आपका जो क्वेश्चन है ना, देखिए मैं ठीक करने की बात आती है तो ठीक करना इज लाइक कि हम परमानेंट इसको ठीक नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स कि कौन सी डिसीज है, आर्थराइटिस का क्या टाइप है और वो कौन सी स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वृद्धावस्था जनने की बात करें, जो एज रिलेटेड चेंजेस है उसको तो कोई रिवर्स नहीं कर सकता, राइट? बट या डेफिनेटली वी कैन मॉडिफाई द लाइफस्टाइल। अगर हम उस पेशेंट का पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल ही मॉडिफाई कर दें तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम आर्थराइटिस को देखते हैं तो इट्स इज मोर और लेस डिपेंडेड अपॉन योर लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, आपका खान पान कैसा है, जीवन शैली कैसी है, आप कैसे आपकी दिनचर्या है, इन सभी चीजों को अगर हम देखते हैं तो उससे ही बहुत ज्यादा इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। आप इन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा बदलाव देना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आयुर्वेद का अगर हम बात करते हैं ना, जब हमने आयुर्वेद पढ़ना शुरू करा था तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब ये होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। सबसे पहले मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी, आफ्टर दैट यू ट्रीट द डिसीज्ड, राइट? आतुरस्य विकार प्रशमनम, बाद में आतुर के विकार का प्रशमन करो, मतलब उसकी चिकित्सा करो। लेकिन अगर आप सोसाइटी को पहले ही हेल्दी रखोगे, आप उनको क्यों उस समय तक वेट करते हो कि वो बीमार हो और उसके बाद उन्हें चिकित्सा करो। आप पहले ही उन्हें ऐसे गाइडेंस दो, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड योर प्लेटफॉर्म कि आप यही काम करने में जुझारू हो और लगातार लगे हो। कैसे लोगों को पहले से ही आप अवेयर कर दो सो दैट कि उन्हें बीमारियां हो ही ना। तो अगर हम सब अपना लाइफस्टाइल को ही ऐसा कर लें कि हमें बीमारियां ना हो और उसके लिए कनेक्ट रहें, आप अपने वैद्य से, आपके आसपास जो वैद्य हो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारे डॉक्टर से, कि उन डॉक्टर से ऐसे ही हम कनेक्ट करें कि हम हेल्दी रहें, तो डेफिनेटली आपको ये बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे या नहीं होंगी, राइट? तो रिसेंटली आई वुड लाइक टू मेंशन, आपने अगर देखा कि होगा कि एक पद्मश्री अवार्ड मिला है एक दादाजी को, योगाचार्य जी को, जी योगाचार्य जी को, जो अप्रोक्सीमेटली 125 इयर्स के हैं जी, एंड वो वॉक भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और इसमें आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आयुर्वेद आपको दिनचर्या ऋतुचर्या सब बताता है, आपको कैसे खाना है, कैसे रहना है, कब उठना है, क्या करना है, ऋतु के हिसाब से कैसे रहना है। तो ये सारी चीजों को जब हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये सारी बीमारियां नहीं होती। और अगर आर्थराइटिस की मैं बात करूं तो आप सिर्फ अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, अपने खान पान को ठीक करें, तो उसी से आर्थराइटिस बहुत ज्यादा कवर हो सकती है। मोर ओवर थोड़ी सी अगर आप बताएं तो मैं थोड़ी सी टिप्स अपने दर्शकों को देना चाहूंगा यहाँ पे। सभी दर्शक इसका इंतजार कर रहे होंगे जी। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप एक, जैसे अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप ओबेस सबसे पहले अपना वेट कम कीजिए। आप जैसे ही अपना वेट कम करेंगे तब कोई भी किसी भी तरह की आर्थराइटिस होगी तो वहां वो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, रेगुलरली आप अगर आर्थराइटिस है, किसी भी तरह का दर्द, जोड़ों का दर्द है, तो उसमें दूध के साथ हल्दी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा ये इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होगा, जोड़ों के अंदर सूजन होगी, वो जोड़ों की सूजन को कम करता है, तो दूध के साथ हल्दी ले सकते हैं। अदरक का सेवन बहुत अच्छा है। आप ये ध्यान रखें कि आपका गट जो है, आपका पेट साफ रहना चाहिए, कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना हो। जितना आपका पेट अच्छा होगा उतना आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो उसको अच्छा रखें। रेगुलरली अपने खाने के अंदर जीरे का और अजवाइन का प्रयोग करें, जिससे आपका पेट अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। दिन में सोना बिल्कुल बंद करें, दिन में सोना जोड़ों के दर्द को हमेशा बढ़ाएगा। दिन में सोना और दही, ये दो चीज ऐसी हैं जो अब गर्मियां आ गई हैं और सबके साथ शुरू हो जाएगी। दिन में एसी चलाया, दही खाई अपना अच्छे से, आलू के पराठे खाए सुबह दही के साथ और सो गए, और उसके बाद एसी चलाया और सो गए जी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली, आप यू वोंट बिलीव, कि सर्दियों में जोड़ों के दर्द के पेशेंट कम हो जाते हैं जबकि इतनी ठंड होती है, और गर्मियों में जोड़ों के दर्द के पेशेंट बढ़ जाते हैं। जो गठिया बाई के पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, वो ज्यादातर जोड़ों के, जो गर्मियां हैं और बारिशों का जो मौसम है उसमें वो ज्यादा परेशान रहते हैं, और सर्दियों में फिर भी कंफर्टेबल रहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दुबके रहते हैं रजाइयों के अंदर।
और गर्मियां आते ही एसी भी चलेगा, दही की लस्सी भी चलेगी रोज, मैंगो शेक शुरू हो जाएगा अभी एक कुछ महीनों बाद। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो आपकी बाएं को या आपके जोड़ों के दर्द को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तो कोशिश करें इन्हें आप अवॉइड करें। दिन में सोना बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दें और दिनचर्या का लगातार सेवन करें, दिनचर्या का पालन करें आयुर्वेद ने जिस हिसाब से बताया है। नियमित योगासन का अभ्यास करें। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा रोज सूर्य नमस्कार कर लें, वो भी बहुत है, या जितना भी आप कर सकते हैं ब्रिस्क थोड़ी सी वॉकिंग रोज करें, जितना शरीर चलता रहेगा उतना अच्छा। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नियमित हर कोई अभ्यंग जरूर करे, अपनी बॉडी पे तेल लगा के मालिश करे, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर वहीं पे गठिया बाय किसी को है तो गठिया बाय वाले मरीज ऐसा ना करें, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ओके जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आप आए हमारे साथ इस इंटरव्यू में, मेरे सर्कल का हिस्सा बने और इतनी सारी आपने काम की जानकारी जो हमें दी है, मुझे लगता है सभी दर्शकों को इससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो मैं एक बार फिर से पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज आपने वाकई जन जागरूकता के लिए बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत अच्छी बातें भी बताई आपने कुछ। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर का आपने मंत्र संस्कृत में हमें सुनाया कि कैसे स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, इट वॉज रियली हैविंग यू नो प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू, धन्यवाद।